आ रहा था ज्वाइनिंग का, और जनवरी 1 जनवरी आने वाला था। मैं सोचा कि जब जिस दिन आपकी शादी हुई है, जिस दिन आपका मैरिज हुआ है, अगर दूसरा साल वो आता है तो उसका सालगिरह मनाते नहीं मनाते हैं? अरे हल्का छोटा मनाते हैं, चाहे बड़ा मनाते हैं मनाते हैं। जिनकी बीवी कितना भी मारती है वो मनाते हैं, डर से मनाते हैं, मनाते ही नहीं मनाते हैं। केक काट रहे होते हैं, रो रहे होते हैं कि कैसी बीवी मिल गई मुझे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो मेरा जिंदगी का, मेरे सफलता का दूसरा साल आ रहा था और मैंने सोचा कि इस दिन भी कुछ होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए तो खतरनाक होना चाहिए। मैंने डिसीजन लिया कि 1 जनवरी 2016 को इस कंपनी का लास्ट लेवल जो है, जिसे क्राउन प्रेसिडेंट बोलते हैं, इसके बाद कोई लेबल नहीं होता है। मैं बोला कि शुरुआत खतरनाक हो रहा है तो अंत भी खतरनाक करने हैं, और सबसे कम समय में IMC का CP के लेवल मैंने अचीव किया और उस महीने की इनकम थी 18,85,000। 1 जनवरी के दिन मैं दिल्ली में था, एक ऐतिहासिक दिन बना, लेकिन जिसने 3,35,000 मिला था उससे बड़ा खुशी इस दिन नहीं मिला था, क्योंकि उस दिन मेरी लाइफ बदल चुकी थी। ऐसे करते करते मेरे मन में सोच आया कि इस कंपनी में 50,00,000 लोग काम करते हैं और 50,00,000 लोग के सबसे कभी खतरनाक इनकम था अब तक का 9 साल का, वो था 20,00,000 रुपए का। कितने का? मैंने सोचा कि एक बात क्यों छोड़ू। अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल 2016 को मैंने उस इतिहास को ब्रेक किया और 2016 का सबसे बड़ा जो पेआउट था इसी का, वो मेरे नाम था, वो था 21,57,000 का एक महीने। ऐसे करते करते तीसरा साल आ रहा था, मैं सोचा कि इस साल भी कुछ नए होने चाहिए। काफी लोग आपके कोलरमा से, काफी लोग धनबाद से, काफी लोग पूरे भारत के कोने कोने से उस ऐतिहासिक कंपनी के 10वें सालगिरह में गए थे। सत्यम भाटिया जी के साथ मैं सिंगापुर में था, सारे इधर बैठ के शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। सत्यम सर ने बोला कि इस साल सबसे बड़ा पेआउट किसका होगा? मैं बोला चाहे सूरज से, पूरब से, पश्चिम हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस साल भी सबसे बड़ा पेआउट मैं लेके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे टीम में इतनी एनर्जी है, मेरे लोगों में इतनी ताकत है, ये लोग अपना खून पसीना लगा के मेहनत करते हैं। मैं जमीन से उठा हूं, मैं रात को सोता नहीं हूं, रात दिन टीम पे काम करता हूं, क्योंकि रात को मेरे साथ जो लोग हैं 3 दिन से वो पागल हो चुके हैं, रात भर डायरी मेंटेन कर रहे हैं कि 30 में 30 दिन घर छोड़ रहे हैं। पूछ सकते आप, अप्रैल के महीने में क्लोजिंग हुआ और अप्रैल के महीने में मुझे विश्वास भी नहीं था कितना होता है। और जैसे मैं लुधियाने पहुंचा और कंपनी से फोन आया कि आपकी 1 महीना का पेमेंट 72,72,940 बना है। दिमाग बदल चुका था। कई लोग बोल रहे थे कि 1 साल का है कि 1 महीने का है, कई लोग बोल रहे थे कि ऐसा होता भी है क्या, क्योंकि जब आप गरीब होते हैं तो बोलते हैं इतना ही मिलता है, जब गरीब होते हैं तो लोग बोलते हैं कि इतना ही मिलता है, और जब आना शुरू होता है तो लोग बोलते हैं इतना भी होता है। मुझे 9,000 आया था तो मैं कितना गुस्सा कर रहा था, लेकिन उसने गुस्सा करके छोड़ दिया होता तो आज ये सिस्टम मुझे बाहर कर दिया होता, मैं आज रोड पे होता। अगर उसने इस बात को मैं दिमाग में नहीं बैठा होता, घर के लोग को बात को मान लिया होता तो मैं भी आज रोड पे होता, लेकिन मैंने किसी का सुना नहीं, किसी का माना नहीं, किसी का समझा नहीं, मैंने अपने दिमाग का किया, मैंने अपना किया, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दिमाग से काम करता है वो कुछ भी कर सकता है, जिसके अंदर विश्वास होता है कुछ भी कर सकता है। मान के चलिए कि आप एक पेट्रोल पंप पर तेल भरवा रहे हो, आपके पास चमचमाती कार हो, लग्जरी कार हो, कितना भी महंगी कार हो, और आपके सामने फटिहार कपड़े में कोई लड़का तेल भर रहा हो और आके बोलता हो कि भले आप तेल भरवा लीजिए, भले आप मैं तेल भर रहा हूं, लेकिन ये व्यक्ति भारत का सबसे अमीर व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा, आपको गुस्सा है कि नहीं आएगा? एक बार बोलता है, दो बार बोलता है, 3 बार बोलता है, 4 बार बोलता है कि यार मैं तेल भर रहा हूं, लेकिन एक समय आया कि मैं भारत का सबसे अमीर व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा, आपसे बड़ा गाड़ी लेके दिखाऊंगा, आपको गुस्सा है कि नहीं आएगा? लेकिन वो व्यक्ति बना कि नहीं, वो व्यक्ति बना कि नहीं, कौन धीरे भाई पानी के अंदर जोरदार तानी मारते हैं भाई। आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, बात हो गया, बुला लीजिए उनको भी, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं।
हाँ तब बुला लीजिए, मैं तो चले जाइएगा, ठीक है। तब ट्रेन से सफर कर रहे हो, चालू ट्रेन हो और कोई फटेहार कपड़े में कोई लड़का चाय बेच रहा हो, हाथ में चाय का केतली हो और आपसे बोलता हो कि भले आज मेरा चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए, बहुत बढ़िया चाय है, इलायची वाला चाय है, अदरक वाला चाय है, लेकिन एक दिन मैं भारत का प्रधानमंत्री बनकर दिखाऊंगा, आपको विश्वास होगा? लेकिन वो व्यक्ति मना नहीं मना कौन तो ये लड़ा भाई। एक दिन था बोल रहे थे कि मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरी लाइफ बदलने वाली है, आपकी भी बदल जाएगी। किसी ने भरोसा नहीं किया। आज 10-10.5 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं, 3 घर बनाए, 3 लाख का महीना ले रहे हैं। आज उनको विश्वास हुआ कि नहीं? गुरुचरण जी जो आपके धनबाद से हैं, आपके सामने इतिहास गवाह है कि 6,000 का नौकरी कराता है व्यक्ति। मैं बोला नौकरी छोड़ दीजिए, इनको बिलिंग नहीं था, लेकिन व्यक्ति धीरे धीरे बिलिंग सिस्टम बनाया, काम करना शुरू किया, लाइफ बदला कि नहीं? और मैं भी जब काम शुरू किया था तो लोग हंस रहे थे, विश्वास नहीं था। मैं भी लोगों से बोला कि जुड़ जाओ, मेरे साथ आओ, किसी ने साथ नहीं दिया शुरू शुरू में। धीरे धीरे मैंने अकेले लोगों को ढूंढा, लेकिन सपना पूरा हुआ कि नहीं? 72 लाख लेके दिखाया कि नहीं? तो दोस्त, ये सब कुछ विश्वास करने का बिजनेस है। बिना विश्वास का कुछ नहीं होता, बिना भरोसा का कुछ नहीं होता है। तो मैं आज कुछ ऐसे मंत्र आपको बताने जाऊंगा कि जो आपके हार्ट को टच करता है और आपको भी इस विश्वास के तरफ, आपको इस सफलता